सो वेलकम, नमस्कार चित्रा जी और सुनील जी, आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में स्वागत है। तो आप दोनों से पहले मैं पूछना चाहती थी कि सबसे पहली आपकी क्या याददाश्त होगी अहिंसा के असूल या उसके अनुभव के बारे में? चित्रा जी, बचपन से सोचिए। ये तो मुझे याद नहीं है कि अहिंसा शब्द पर मैंने कब से सोचना और उस अवधारणा पर सोचना शुरू किया, लेकिन ये तय है कि एमएससी के बाद जब मैं दिल्ली आई पीएचडी करने, और तब एकदम दुनिया खुल गई। मैं इंदौर से दिल्ली गई थी और दुनिया एकदम खुल गई, और कहीं तभी मुझे महसूस होने लगा कि जो हम इंदौर में सोचते थे अपने बारे में, समाज के बारे में, वो काफ़ी नहीं है। एकदम ही इस दुनिया में मुझे चलने के लिए कोई उसका सहारा नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एमएससी तक पढ़ने में कभी ऐसा नहीं लगा कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है अपना, या हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, ये लगता था। दिल्ली जाकर लगा कि ये तो काफ़ी नहीं है जो हमारे पास है। हाँ, तो इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि इतना बड़ा शहर था वो, और वहाँ के जो मतलब रहन सहन था, लोगों का व्यवहार था, संस्थाएं जिस तरह की थी, वो सब देख के लगा कि इसमें तो हम लोग नहीं चलने वाले हैं। मतलब जो कुछ है हमारे पास वो काफ़ी नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे समाज के बारे में सोचना शुरू किया, और महसूस हुआ हमें कि ये जो समाज के बारे में हम लोग स्कूल में पढ़े हैं या कॉलेज में जिस तरह से पढ़े हैं, उसमें वो चीज़ नहीं है जिसमें हम दूसरों का सहारा बन सके। सहारा इस अर्थ में नहीं कि वो निर्भर हो जाए हम पर हम आपस में कोई एक संवेदना का संबंध नहीं बना पा रहे। और ये महसूस हुआ तब हम, मेरी बहन कानपुर में पढ़ती थी, तो वो थोड़ा सा राजनीति में और इसमें सक्रिय थी उस समय, कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं है ऐसे समय। उसने कुछ, उससे काफी बात होती थी इन सवालों पर व्यक्तिगत, तो उससे बात करते करते फिर गांधी से पढ़ना शुरू किया, और वहां से एक पत्रिका निकलती थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा काम किया। पर मूल रूप से मुझे याद है कि मेरी बहन छुट्टियों में आती थी जब इंदौर में, जी जी, तो वो वहाँ की राजनीति के बारे में बताती थी कि किस तरह से मेस वर्कर्स ने स्ट्राइक किया वगैरह वगैरह। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, कहीं तभी ये लेफ्ट वाला नहीं जम रहा है अपने को, अंदर से उसका ये लगा आइडियोलॉजी। और फिर जब रेणु की किताबें पढ़ी हमने, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास पढ़ा हमने, कहा ये रास्ता है, शायद इसमें मिल सकता है। और फिर गांधी को गंभीर से थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, समाज में जाना आना शुरू किया, दूसरे तरीके से अपना अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अलग करके धर्मपाल जी को वगैरह पढ़ा, धीरे धीरे फिर तो आते हैं वापस, फिर अहिंसा पे आए। इतना लंबा रास्ता नहीं, बहुत अच्छा। और वापस आते हैं हम ये रेणु जी वाली बात पे भी, और धर्मपाल। सुनील जी, तो आपकी क्या होगी ऐसे अर्लीस्ट मेमोरी अहिंसा से संबंधित? हाँ, मतलब कि अवेयरनेस, जब इस विश, इस आइडियल या इस मूल्य की अवेयरनेस आपके जीवन में आई हो। गांधी को पहली बार पढ़ा होगा हमको ठीक से याद नहीं, 75 या 76 में, मेरे ख्याल से 76 में, तो 2-3 जो पॉपुलर किताबें कही गई, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, हिंद स्वराज और उनकी अपनी कहानी सत्य के साथ प्रयोग, तो तीनों पूरा पढ़ा हो ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन पढ़ा, मतलब उसका कुछ मैसेज उसमें से मिला। हम लोग सब लेफ्ट हैंड से आते थे, 70s 67 के नक्सलबाड़ी के बाद से, आप नक्सल हो ना हो, यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे सब जगह पर लेफ्ट का एक बहुत बड़ा उभार हुआ। कानपुर में भी हुआ, आप आईआईटी में थे। हाँ,
हम 69 में गए, तो ऑलरेडी सफिशिएंट ये हो गया था, बंगाल से लड़के आना शुरू हो गए थे, जो उनके घर वालों ने वहाँ से हटाना शुरू किया अपने लड़कों को, तो जो पढ़ने लिखने वाले थे वो आईटीज वगैरह में एमटेक करने चले आए, ये सब हुआ, तो बहुत लड़के आए कानपुर में बंगाल से, ये सब पॉलिटिकल थे, और लोग आए, उनके सबके नाम क्या लिए हम इसमें, डॉक्टर एपी शुक्ला महत्वपूर्ण जो वहाँ उस वक्त आए, और पहले से कुछ लोग थे, लेफ्ट का माहौल था, वो उसी में चले गए, वो कोई शुरू से लेफ्टिस्ट रहे या नहीं रहे ये तो कहना बड़ा मुश्किल, वो दूसरे टाइप के थे, उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने हिंदी में पत्र लिखा शायद आईआईटी के डायरेक्टर को, अब ये अजूबा बात थी, आईआईटी और वो भी कानपुर आईआईटी, कानपुर क्या केनी आईआईटी के डायरेक्टर को कोई हिंदी में चिट्ठी लिखे, तो डिप्टी डायरेक्टर मुतन्ना साहब थे, मुतन्ना कहाँ कूर्ग के हुए शायद, अच्छा। कर्नाटक के कहीं के हुए, अच्छा। तो अलग टाइप के आदमी थे, उन्होंने कन्नड़ में जवाब दिया इट वाज तो अच्छा रहा मेरे ख्याल से शुरुआत, ये सब हम लोग को बाद में पता लगा, तो हम लोग भी उसी एटमोसफियर में 69 में, शुक्ला जी भी 69 में आए थे, कुछ लड़के पहले से सक्रिय थे, अभी भी हमारे एक दोस्त हैं यहाँ प्रवाल सिंह करके, बनारस में रह रहे हैं, वो लोग दो तीन जने निकाल लिए गए थे 69 में ही, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ रास्ते के ऊपर पेंट से कुछ कुछ लिख दिया था, अच्छा। तो तीन लड़के निकाले गए थे उसमें से, फिर वो वापस हो गए, कोर्ट से वापस आए, ऐसे लिया नहीं वापस, हाई कोर्ट के मार्फत वापस आए, तो वो माहौल था वहाँ का उस वक्त का, माने वहाँ माहौल ऐसा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो मद्रास आईआईटी से एक लड़का आया था वो कहता था हमको लगता है कि हम एकदम नई दुनिया में चले आए हैं, मद्रास आईआईटी में या दिल्ली आईआईटी में आईआईटीज में ऐसा कोई पॉलिटिकल माहौल नहीं था, कानपुर वाज एक्सट्रीमली हेवीली पॉलिटिकल, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, लेफ्ट के लोग जब मोबिलाइज करके अपनी अलग से मीटिंग करते थे तब भी 75-80 लड़के आ जाते थे, दिस इज रीजनेबल नंबर, पीजी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, तो खैर ये सब बातें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे द एटमॉस्फेयर वाज वेरी हेवीली पॉलिटिकल, पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रेंथ ज्यादा थी, पर इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में और खासकर क्योंकि नक्सलबारी का दौर था, अहिंसा का कभी जिक्र भी होता था कि नहीं? झगड़ा हो जाता था, और मतलब अगर किसी गांधीयन लोग थे शहर में थे कभी यहाँ वहाँ, बाद में बहुत बाद में नहीं, लेकिन अब हमारे हिसाब से कब की बात होगी, 75-76 वगैरह की ही बात है, किसी गांधी के बैकग्राउंड वाले से बात हो जाए या किसी और से, तो ये जो CPML वाले थे जिन्हें उस वक्त ML कहा जाता था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नाम से जाने जाते थे क्योंकि पार्टी CPIML बनी थी 69 में, तो पॉपुलर नाम उनका था ML वाले हैं, नक्सल है ऐसा कोई नहीं, वो टर्मिनोलॉजी वो नहीं के बराबर थी, ML तो ML वाले जब भी बात करते थे, और गांधीयंस भी ऐसे ही होते थे, वो सबसे पहले सवाल उठाते थे कि हिंसा और अहिंसा का, और ये भी सबसे पहले ये सेटल करना चाहते थे कि हिंसा और अहिंसा पे क्या राय है, और वहीं पे बात टूट जाती थी, क्यों? क्योंकि जो हिंसा के पक्ष में थे वो ज्यादा फॉरवर्ड माने जाते थे, नहीं फॉरवर्ड, हाँ वो तो थोड़ा माहौल था इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा रहा, हाँ। लेकिन वो बात इसलिए नहीं, वो दोनों इतने पक्के होते थे कि अगर आप अहिंसा पे अडिग रहेंगे तो उतने ही हम भी इस पे अडिग हैं कि ऑर्गेनाइज, अच्छा ये हिंसा मतलब ये कोई भी व्यक्तिगत हिंसा वाले लोग नहीं थे, मारपीट वाले कोई नहीं थे, अच्छा। इनफैक्ट इनकी जब राइटिश लोगों के साथ झगड़ा होता था तो हमेशा ये मार खा जाते थे क्योंकि वो बदमाश टाइप के हुआ करते थे बहुत से दूसरे, हाँ राइट वाले, हाँ तो ये मार खा जाते, ये मारपीट करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन सोशल चेंज में ऑर्गेनाइज्ड फोर्स का इस्तेमाल होना, हिंसा उसे आप कहिए या ना कहिए, फोर्स का ज्यादा इस्तेमाल अंग्रेजी बहस में हुआ है, वायलेंस का कम हुआ है इन इन बहसों में, तो ऑर्गेनाइज्ड तौर पे फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा इससे वो हटने के लिए तैयार एकदम नहीं। एक बात ये भी थी ना, आप दोनों इस पे कहिए कि ये भी आइडिया चैलेंज किया गया उस दौर में कि अहिंसा के
के बल पर कोई परिवर्तनशील लार्जर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन संभव है या नहीं, और मुझे ये बताया गया है, आप लोगों ने तो उस दौर में जिया है, कि ये मान्यता फैलाई गई कि वो गांधी संत थे, महात्मा थे, उन्होंने कुछ कर लिया होगा, बट आम आदमी अहिंसा के बल पर राजनीतिक आंदोलन नहीं चला सकता। तो इस पे थोड़ा बहुत बताइए कि क्या माहौल था। वाज दिस एन इशू? इमीडिएट इशू नहीं था, लेकिन बाद में हो गया, क्योंकि 74 में जब ये 75 ना बिहार आंदोलन जी, जयप्रकाश नारायण जब नेतृत्व में आ गए तो उनकी और बहुत सी खूबियों की वजह से वो आंदोलन जैसे चला वो चला आगे उनके लीडरशिप में, लेकिन स्टूडेंट्स लगभग सभी 25 साल की उम्र के नीचे रहे होंगे, 17, 18, 20, 25 तक के थे, इनसे कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करा पाई सरकार, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये आज तक एक्नॉलेज्ड है, क्योंकि 25 साल से कम की उम्र वालों से वायलेंट एक्टिविटी कराना बड़ा आसान है, उनको प्रोवोक कर दीजिए वो मारपीट पे आ जाते हैं, तो गाली बक दीजिए वो मारपीट पे आ जाएंगे। ये जेपी की लीडरशिप ने लेकिन प्रोपेगेंडा लेफ्ट जो था वो अरेस्टेड था, अरेस्टेड क्या था, वो इस प्रोपेगेंडा के साथ था कि ये आरएसएस डॉलर लॉबी ने किया हुआ की करतूत है, जेपी मूवमेंट, आरएसएस डॉलर लॉबी, दिस वर द वर्ड्स यूज्ड बाय मिसेस गांधी, उस वक्त मिसेस गांधी लगातार ये शब्दावली का इस्तेमाल करती थी, आरएसएस डॉलर लॉबी, ये अभी हमें याद रह गया है कि आरएसएस डॉलर लॉबी के खिलाफ वो बोलती थी हमेशा। और ये हुआ सीपीआई ने पटना में 75 में ही होगा किसी समय, सीपीआई ने पटना में फासिज्म विरोधी सम्मेलन किया, यानी जेपी आंदोलन को फासिस्ट डिक्लेयर किया, जबकि इमरजेंसी लगी हुई थी जो मिस गांधी ने लगाई थी, लेकिन उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको वो मिटी। अब हमारी याददाश्त कहीं कुछ फेल हो रही हो, कुछ गलत बात मैं कह दूं, ज्यादा पुरानी बातें हैं, लेकिन हमारी याददाश्त ये कह रही है कि सीपीआई वालों ने एक फासिस्ट विरोधी, फासीवाद विरोधी या जो भी कहा हो, कॉन्फ्रेंस की जो आरएसएस डॉलर लॉबी के, कि वो फासीवादी प्रवृत्ति है और संगठन है और वगैरह वगैरह। जी जी, तो चित्रा जी आपने पहले ये कब सुना होगा जेपी का फेमस स्लोगन, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये आपने, I mean, and how did it make you feel? What was your response? मैं उस आंदोलन में बहुत ज्यादा मतलब सक्रिय रूप से शामिल कभी नहीं हुई, लेकिन हाँ समर्थन अंदर से था और आसपास माहौल बहुत ज्यादा उसके। तब आप दिल्ली में थी? नहीं, मैं मतलब एमएससी का लास्ट पेपर हुआ उसके बाद उसी दिन, उसके दूसरे दिन इमरजेंसी लग गई। और उसके बाद फिर एक साल बाद मैं दिल्ली आई। तो आप दिल्ली इमरजेंसी के दौरान पहुंचे? हाँ, तो उस समय तो था ही पूरा ये चल ही रहा था, तो मैं ऐसे सीधे से तो संपर्क में नहीं रही इस आंदोलन में, लेकिन हाँ जानकारी जरूर थी। और बार बार बहसों में ये आता था, जैसा आपने कहा कि हिंसा और अहिंसा का सवाल वाकई में बहुत इसमें रहता था चर्चा में, तो मुझे ये लगता था कि मतलब ये पहला सवाल क्यों होना चाहिए, हिंसा करेंगे या अहिंसा के मार्फत ही जाना होगा, ये किसी भी सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक पहल के का पहला सवाल क्यों होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है पहले सवाल होगा, या क्या मेथड आप अपना रहे हैं, वो भी होगा लेकिन किस लिए, तो ये सवाल मेरा सुलझा नहीं उस समय, बिल्कुल नहीं सुलझा, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा कार्य भी नहीं किया था और पढ़ा भी नहीं था कुछ ज्यादा। आपकी शादी कौन से साल में हुई? 1980 फरवरी। अब आपके सामने, दोनों के सामने, मैं थोड़ा सा ये आपका व्यक्तिगत एक डायमेंशन भी लाना चाहती हूँ,
एक पूरा कन्वेंशनल करियर ओपन था आप दोनों के लिए. आप साइंस स्ट्रीम से थी, आप भी आप आईआईटी से थे, तो ये जो कन्वेंशनल प्रोफेशनल ट्रैक को छोड़कर ये एक्टिविज्म की तरफ आप दोनों कैसे बढ़े, ये वो क्या समाज की कल्पना थी जो आपको इस तरफ ले आई? मुझे लगता है कि हम जब ये बचपन से आता है शायद थोड़ा बहुत अपने माहौल से भी खींचते हैं हम लोग. हमारे माँ पिताजी और हमारे घर का माहौल थोड़ा ऐसा था जिसमें सामाजिकता को बहुत बड़ा स्थान हमेशा दिया, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना उसमें बहुत. तो एक समाज की मतलब समाज के दुख दर्द को पहचानने की थोड़ी बहुत अकल हमें घर से मिली. जैसे जैसे बड़े होते गए उसको हम लोग भाषा दे, जो मैं भाग्यशाली थी कि मैं घर में सबसे छोटी थी, तो सबके व्यू जो भी वो ये करते थे उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और समाज के बारे में जानने को मिला. तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हमें लगा कि ये पढ़ाई, बार बार ये डिस्कशन होता था कि पढ़ाई से हम क्या पा लेंगे, पढ़ लेंगे. मैंने तो बीएससी के बाद ही कह दिया था कि मैं मुझे पढ़ने में आगे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर करना क्या है ये भी नहीं मालूम था. लेकिन ये ज़रूर था कि ये पढ़ाई से कुछ समाज को मिलना नहीं है, हमें शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं, एक नौकरी ले लेंगे बस. और फिर इसकी व्यवस्थित समझ जब राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आए तब साफ समझ में आई कि यही रास्ता है हमारा. कोई प्रोफेशनल जॉब करना है ऐसा नहीं है, इसी को किया जाए. और सौभाग्य है कि सुनील जी से शादी करने के बाद केवल वही काम करने का मौका भी मिल गया. तो यही है, बहुत बढ़िया. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो काम करना अंदर से इच्छा थी कि मैं इसमें कुछ अपनी अपना योगदान कर सकूं, उसका सारा माहौल मिला मुझे. तो सुनील जी, आई नो आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स सीवी से शादरी आ चुके थे तब तक, पर फिर भी दैट इज नॉट इनफ. वन प्रोफेसर के नॉट, नहीं सीवी से शादरी का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस हम लोग केस पे नहीं, नॉट ऑन योर डिसीजन टू लीव द प्रोफेशनल ट्रैक एंड आल्सो नॉट ऑन सीवी से शादरी वाज द डीन ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन वी वेंट देयर कानपुर में. और उसके कुछ समय बाद वो चले गए. वो स्टूडेंट्स के सीनियर स्टूडेंट्स के दोस्तों की तरह ही रहते थे, फुटबॉल फील्ड पे आते थे, हम लोग के साथ फुटबॉल खेलते थे, वो सब करते थे, लेकिन हम लोग वैचारिक दृष्टि से सीबीएस से प्रभावित नहीं थे. अच्छा. ना उनका बिहेवियर बढ़िया था और साथ में उठते बैठते थे, सब करते थे, लेकिन जो पोलिटिकली चार्ज एटमोसफियर था उसमें उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव ऐसा नहीं था. उनके पर्सनल चॉइसेस अलग हुए हैं बाद में, जैसे एमसीआरसी बनाया उन्होंने और ये सब किया और इसके रेगुलर इसमें नहीं गए. लेकिन हम लोग दूसरे वहाँ पे एक्चुअली वहाँ के एम्प्लॉइज का एक संगठन बना, अब 71 में बना, 72 में बना, उसके आसपास बना. पहली बार मैं किसी स्ट्राइक के समर्थन में खड़ा हुआ था, ये 1971 के मार्च होगा जहाँ तक, क्योंकि हम एमएससी में ही थे मेरे ख्याल से, ये डेट्स कभी मिक्स हो सकती हैं, लेकिन 71 के मार्च की बात होगी. हमने 71 में अप्रैल में जब भी हो एमएससी पास कर लिया, केमिस्ट्री में हम एमएससी कर रहे थे. तब से तो फिर हर बार उसके बाद 2 साल में फिर मेस वर्कर्स स्ट्राइक हुआ, फिर एक आध और स्ट्राइक हुआ, ऐसा कुछ कुछ. वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एपी शुक्ला हुआ करते थे, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैन. उनके लिए एक बाद में और उनसे भी सीनियर थे, एक बाद में आए थे जगदम्बा प्रसाद मिश्र करके, काफ़ी बाद में 82-83 की बात है, तब हम वहाँ से छोड़ने की तैयारी थे.
वो कहा करते थे, वो सर्वोदय मूवमेंट भी देख चुके थे, इंग्लैंड भी रह चुके थे, तो जेपी मिश्रा अलग टाइप के थे, वो शुक्ला जी से उम्र में थोड़े बड़े थे, तो वो कहते थे कि ऐसा आदमी है कि जब तक ये मुंह नहीं खोले तब तक ये गांधीवादी लगता है, उसका रहन सहन, बातचीत, मतलब व्यवहार सब में गांधीवादी लगता है, कपड़े जो पहनता है गांधी, जैसे ही मुंह खोलता है तो कहता है हम मरकस बाबा के आदमी हैं। मरकस बाबा यानी मार्क्स। अच्छा। हाँ, तो ये वो मरकस बाबा एक चलता था उस वक्त में, कहने का तरीका था अपनी भाषा में। तो शुक्ला जी थोड़ा उस टाइप के आदमी थे। शुक्ला जी को सब लोग, एक समय करीब 1500 लड़कों का जुलूस निकला था, शुक्ला जी के घर गया था ये उनको कहने के लिए कि आप IIT छोड़ दी। क्यों? उनके ऊपर ये चार्ज लगा, ये जो वर्कर्स का ऑर्गेनाइज हुआ और इनका जो स्ट्राइक हुआ था, तो बड़े पैमाने पे फैकल्टी के 2-4-6 लोग होंगे जो साथ में आए वर्कर्स के, बाकी एंटायर फैकल्टी, और फैकल्टी में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो अमेरिका होके ना आया, ये तो कानपुर था ना, सब अमेरिका होके आए थे, और अमेरिका के वे ऑफ थिंकिंग से रिलेटिवली प्रभावित, कम ज्यादा जैसा होता है वैसा थे, उसी टाइप की बात भी किया करते थे, लेकिन अलग टाइप की जगह थी, फ्रेंडली भी थे स्टूडेंट्स से ज्यादा, इस टाइप के थे। और उस वक्त तो शुक्ला जी पे हमको लगता है किसी ने छपा, इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा, कहीं छप गया था कि लाइब्रेरी जलाने जा रहे थे वगैरह, सब झूठ, 100% झूठ। हम लोग वहां रहते थे, शुक्ला जी कुछ जला ही नहीं सकते थे पर्सनली, वो ऐसा कोई वायलेंस का काम कर ही नहीं सकते थे, अलग टाइप के आदमी, विचारक थे और थोड़ा दम रखने वाले थे, जो खड़े होके बात कर सकते थे डायरेक्टर से और किसी से। उनके घर पे 1600 लड़के गए थे, 1600 का फिगर आया था, सारे एंटायर अंडर ग्रेजुएट पॉपुलेशन, अब ऑब्वियसली मोबिलाइज बाय द सम फैकल्टी मेंबर्स देयर, और कौन था उनका लीडर, कौन था, और PG स्टूडेंट्स भी होंगे 200-200। इशू क्या था कि आप छोड़ के जाइए IIT में, हम लोग को आप जैसे आदमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ लेफ्ट आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं, तो आप जाइए यहाँ से। वो कहीं से आया होगा ऊपर से, ये डिस्कशन किसी जगह हुआ होगा कि भाई ये कोई और नहीं कह पाएगा कि आप जाइए, क्योंकि ये तो सवाल उठ जाएगा कि आप होते कौन है कहने वाले की। He has come through a proper selection process. He had a very strong background in physics. Physics department normally divided hota tha experimentalists or theoreticians. Shukla had come with a research both in experimental physics and in theory. Shukla's position bahut high thi. But now let us come back. How was this? And was this instrumental in your decision to go into what shall we say? Off the mainstream track, creative work. उस वक्त aimed at social transformation. हम लोग के कुछ दोस्त थे, ये सब no, the left group is always aimed at social transformation. We were all part of the left group. Right. लेकिन left student group है, तो वो ठीक है, कुछ उसमें रह जाते हैं, कुछ पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कुछ हायर स्टडीज को लेकर के निकल जाते हैं और फिर करियर चुन लेते हैं, और कुछ कहीं और चले जाते हैं, तीनों होता रहता है। हम लोगों का इंटरेक्शन कुछ लोगों से होता था जो पटना से आते थे, जो किशन पटनायक से प्रभावित थे, सोशलिस्ट लीडर फ्रॉम ओडिशा। हाँ, बट लेकिन उनका स्थान तो पटना था, उड़ीसा भी था, लेकिन पटना में उनके चेले पटना में शायद ज्यादा थे। अच्छा। तो बहरहाल वो चेले जो थे वो सब हमारी उम्र के थे, उनसे भी इंटरेक्शन वगैरह था, तो उनसे भी कुछ प्रभाव था, जो हम लोगों ने गांधी थोड़ा पढ़ना शुरू किया। दिस इज क्वाइट अर्ली, 75 में हमको लगता है हमने गांधी, क्वाइट अर्ली और क्वाइट लेट जैसा भी कह लीजिए, हाँ, गांधी पढ़ना शुरू किया। लेफ्ट वाले गांधी पढ़ने के लिए एकदम तैयार नहीं थे कि क्या पढ़ना है उसमें। जस्टिस, आप आई डोंट नो हाउ फेमिलियर यू आर विथ शार्प फॉर्मुलेशंस, एनीबडी टॉकिंग अबाउट जस्टिस is not done, he is not acceptable. You must talk about class justice. क्योंकि justice, injustice तो समाज में हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा. Systematic injustice through the class order is what has to be turned upside down.
एंड देयरफॉर गांधी वाज रिजेक्टेड. हाँ हाँ, क्योंकि गांधी के कोई सर्वोदय, सबका उदय का क्या मतलब है? वर्किंग क्लासेस एंड द अलाइड वर्किंग क्लासेस, इनके उदय की बात कीजिए, बाकी लोगों को उसमें जगह मिलेगी, जो नहीं आना चाहेंगे जगह नहीं मिलेगी. दुनिया तो वर्किंग क्लासेस बनाएंगे. एंड ऑल्सो मे बी द फैक्टर, ये भी एक फैक्टर रहा होगा कि वो गांधी मानते हैं और वो करके दिखाते हैं कि जो मेरा अपोनेंट है मैं उसका हृदय परिवर्तन क्या प्रयास कर सकता हूँ. हाँ. उसकी पोजीशन को मैं कंपैशन और सहानुभूति के बल पर अपनी तरफ, जस्टिस की तरफ लाने की कोशिश कर सकता हूँ और ये वर्थ डूइंग है. इससे इस पे भी तो डिसएग्रीमेंट रहा होगा. हाँ, लगभग हर प्रोपोजिशन पे जो गांधी का है, लगभग हर प्रोपोजिशन पे डिसएग्रीमेंट है. और अब ये सब लोग तो नहीं करते थे, लेकिन इसमें ये एक्सेप्टेबल था दैट पॉलिटिकल कॉन्सेंट्राइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स बिल्डिंग हेट्रेड टुवर्ड्स द एनिमी, टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट क्लास या कैपिटलिस्ट एंड ऑल्सो द जमींदार एंड ऑल्सो अपर कास्ट. नॉट ऑल मे बी, लेकिन बूर्जुआ सोसाइटी की लीडरशिप जिसके हाथ में है, फ्यूडल क्लासेस एज वेल एज, क्योंकि फ्यूडल क्लासेस की चर्चा बहुत होती थी क्योंकि चीन में वो चर्चा ज्यादा रही, तो अपने यहाँ के एनालिसिस पे कम आधारित थी वो चर्चा. तो चीन में ज्यादातर लड़के जो इसमें सीरियसली थे लेफ्ट मूवमेंट में, वो क्लासेस इन चाइनीज सोसाइटी पढ़े हुए होते थे, हुनान पेजेंट रिपोर्ट पढ़े हुए होते थे, हमने पढ़ी थी उस वक्त के साथ, और ये मानते थे कि क्लासेस चाइनीज सोसाइटी की जो क्लासेस हैं वैसे ही क्लासेस अपने यहाँ भी हैं. हम कॉलोनी थे और वो कॉलोनी कभी नहीं थे, ये फर्क इसमें नहीं आता था. एनालिटिकल टूल्स में ये फर्क आसानी से नहीं आता. और चाइनीज रेवोल्यूशन माओ के लीडरशिप में जो हुआ, उसकी हिंसा से भी कोई समस्या नहीं थी. नहीं, उसकी हिंसा से कोई समस्या नहीं थी. इनफैक्ट माओ से तुमने बहुत डायरेक्टली हिंसा के बारे में बात की है. हाउ वी इनसर्कल्ड द विलेज एंड देन वी डिवाउर्ड द विलेज एंड दिस वाज अप्रिशिएटेड. वेल, सब पे डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन हाँ, ब्रॉडली स्पीकिंग अप्रिशिएटेड. And we devoured them, not the village. And we devoured the feudal classes or whatever. जो भी, जो language, काफी harsh language का इस्तेमाल माओ ने at times किया है, हमेशा नहीं किया है. जी जी जी. But of course the most famous on this theme is that power flows from the barrel of the gun. हाँ, ये थोड़ा बाद का है. अच्छा, जिसको हैना एरेंट ने बहुत अच्छी तरह काउंटर किया है कि it is never power that flows from the barrel of a gun. It's only obedience. And obedience is not, that which you get from obedience alone is not power at all. हाँ, लेकिन इस पे तो थोड़ा linguistic समाल आ जाएगा. जैसे विनोबा ने इस पे stress किया कि वो सत्ता की बात, सत्ता के अर्थ में ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति, strength, उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है अपने writing में, strength की बात कर रहे हैं. Okay. लोगों की जो मॉरल है या उस बेसिस पे है, या वो जो कुछ भी तर्क दे रहे थे कि हम उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो लोक शक्ति की बात है, वो पीपल स्ट्रेंथ की बात है, वो पावर की बात नहीं है. Which is, and this ये थोड़ा सा ये लिंग्विस्टिक उसमें चला जाता है. नहीं नहीं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ, क्योंकि पावर को फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो गांधियंस जिसमें इन्वॉल्व रहे, पावर को यूरोपियन डिस्कोर्स से मैं उतना परिचित नहीं हूं, लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें पावर को हमेशा पावर ओवर अदर्स के रूप में समझा गया. स्ट्रेंथ को दूसरे के ऊपर कुछ करने के रूप में नहीं समझा गया. यू सी, पावर की, ये हमारा इंडियन पैराडाइम है. आई डोंट नो कि कितना, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में गांधी से संदर्भित जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसने पावर को पावर ओवर अदर्स के रूप में समझा, और स्ट्रेंथ को टू बी एबल टू डू समथिंग, टू बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू, उस रूप में स्ट्रेंथ को समझा.
रॉजर बेकन, क्या नाम है उनका, फ्रांसिस बेकन, 17th-16th सेंचुरी या जब भी, ये जो है नॉलेज इज पावर, ये जो इडियम है वो बेकोनियन है, तो वो उस वक्त इट इज राइज ऑफ द बुर्जुआ, ये जो बुर्जुआ का राइज है, ये जो नए शहर बन रहे हैं जो 16th और 17th सेंचुरी, मेनली 16th सेंचुरी एंड देयर आफ्टर का जो यूरोप है, वेयर द बुर्जुआ इज टेकिंग शेप, नया शहर बन रहा है, फिर नए सिद्धांत बन रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, मॉडर्न स्टेट के लॉक है, होप्स हैं, ये सब 17 सेंचुरी के हैं, न्यूटन भी हैं, ये जो साइंस कैपिटल एंड वो क्या साइंस कैपिटल एंड स्टेट, नेशन स्टेट, वो भी नेशन स्टेट, यस नेशन स्टेट हम कह सकते हैं, बट स्टेट इन जनरल आल्सो, साइंस कैपिटल एंड स्टेट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस टुगेदर, रीइंफोर्सिंग ईच अदर। अगर ये स्टेट और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी ना, ना कैपिटल का ग्रोथ ना होता, अगर बुर्जुआ ना ग्रो कर रहा होता और ये स्टेट ना बन रहा होता, तो ये साइंस भी नहीं बनता, और अगर ये साइंस ना बन रहा होता तो फिर वो स्टेट भी नहीं बनता, दे आर सो क्लोजली लिंक्ड। यही आर्ग्यूमेंट हम पूरे लोक विद्या मूवमेंट का एक बेस आर्ग्यूमेंट है, और हमको लगता है कि गांधी में भी ये आर्ग्यूमेंट है, हमारा ये इंटरप्रिटेशन है, गांधी तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कि अगर आपको एक दूसरी इकोनॉमिक्स बनानी है और एक आपको दूसरा राज्य बनाना है, अलग किस्म का राज्य बनाना है, स्वराज अगर आपको बनाना है, तो साइंस आपके कर्तव्य में सबसे बड़ी बाधा है, आपको लोक विद्या की पुनर्प्रतिष्ठा का काम करना पड़ेगा। नाउ हियर विल पॉज, बिकॉज चित्रा जी आपके थ्रू, नो नो इसको नहीं पॉज करना, आई एम जस्ट सेइंग ऑन इन दिस लाइन ऑफ थॉट, क्योंकि हमारे लिसनर्स के लिए आप अब बताइए कि फ्रॉम दैट मोमेंट वेयर यू बोथ डिसाइडेड कि हम ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल प्रोफेशनल ट्रैक के अलावा हम कुछ क्रिएटिव और सामाजिक काम करेंगे, वहां से लेकर ये जो लोक विद्या में आपका मिशन एंड विजन पहुंचा, वो ब्रीफली वो जर्नी बता दीजिए कि ये फिर लोक विद्या में कैसे आप लोग फोकस हो गए। असल में शादी के एंड सॉरी इसमें ये भी कि टू व्हाट एक्सटेंट जो आपको अपने समाज में और अपने समय में स्ट्रक्चरल वायलेंस दिखी, कैसे उसका भी एक किस्म से रिस्पॉन्स है ये लोक विद्या पे काम। जी कोशिश करती हूँ इसका जवाब देने की। शादी के समय में 76 में गई हूँ दिल्ली, और तब मजदूर किसान नीति पत्रिका जो निकलती थी कानपुर से, उसके साथ जुड़कर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया था। उस समय किसान आंदोलन उठा उसके बाद ही, और ये पूरा का पूरा ग्रुप गांधी के विचार और किसान आंदोलन, वैचारिक आधार गांधी का और समाज में किसान आंदोलन के साथ आगे बढ़ा, और इन दोनों के बीच से जितनी भी बहसें हुई वो हमें लोक विद्या की ओर ले गई। तो लोक विद्या को हम कहते भी हैं कि ये किसान आंदोलन की से पैदा हुई है कल्पना, और लोक विद्या से अगर समाज को समझना है या लोक विद्या के मार्फत समाज में कोई परिवर्तन लाना है तो गांधी एक बहुत बड़े सहारा, बहुत बड़ा सहारा। तो ये दोनों चीजें एक साथ आई, और शादी के एक साल बाद ही हम लोग बनारस आ गए, और आप अक्सर बातें होती थी, उसमें एक छोटा बेटा भी हुआ था, हम लोगों के बीच में बातें होती थी कि नागपुर में इनके माँ पिताजी रहते थे कि हम लोग नागपुर जाने का विचार करें क्या, आपस में बात होती थी। तो हम बार बार ये कहते थे कि जाने में हमारा ऐसा ऐतराज नहीं है, वहां जा सकते हैं हम लोग, इनका काम मिल गया था यहाँ गांधी विद्या संस्थान में। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि उत्तर प्रदेश अपनी कर्मभूमि है, ऐसा महसूस होता है।
इनको भी ये बात जचती थी कि हाँ काम तो यही होगा। नागपुर में इनका वैसे मराठी लोगों के बीच में कोई ज़्यादा ये नहीं था कनेक्शन समाज में, और ना मेरा था वो। तो हम लोगों ने तय किया कि यही रहेंगे, बनारस में ही रहेंगे, और बनारस से रिश्ता पुराना था हम लोगों का थोड़ा, पहली पूरी वगैरह से, तो यही रह गए। और करीब 10 साल तक शादी के, मैं तो बच्चों को बड़ा करने में काफ़ी व्यस्त रही, लेकिन आप किसान आंदोलन में लगातार आना जाना रहा। मजदूर किसान नीति का प्रकाशन भी बाद में हम लोगों ने लोग बनारस ले आए, पहले कानपुर में था, फिर झांसी गया, फिर हम लोग बनारस ले आए उसको। और ये 10 साल बहुत सक्रिय रहे किसान आंदोलन में। 1995 के 1992 में बाबरी मस्जिद का ये हुआ, और उसके बाद बहुत साफ समझ में आने लगा कि एक तरफ समाज है और एक तरफ ये राजनीति है, जो चाहे कांग्रेस की हो चाहे और किसी की हो, ये सांप्रदायिक इसको इस्तेमाल करती है भावनाओं को, और एक तरफ समाज है जो संपूर्ण समग्र चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, जिसमें किसान समाज में है, अन्य कई समाज है, कारीगर समाज में, ये समझ बनते बनते उसके बाद पीपीएसटी से आपका कनेक्शन काफ़ी पहले था से था। 92 में हम लोगों ने बनारस में उसकी एक शाखा खोली पीपीएसटी की, और कुछ काम हाथ में लिए मुख्य रूप से अगरिया समाज के इसमें, और बनारस में हमने कारीगरों के बीच में काम किया। इसी के साथ महिलाओं के एक नारी विद्या संस्थान करके हम लोगों ने शुरू किया, और पूरी समझ जब बनी ये महिलाओं के बीच में, महिलाओं के पास उनका अपना ज्ञान है, इसको कोई नाम नहीं दे पा रहे थे हम। नारी विद्या पर काम किया, कारीगर विद्या पर काम किया, किसान विद्या पर भी काफ़ी काम किया लोगों के बीच में जाकर, लेकिन लोक विद्या नहीं शब्द मिला था। 1995 में एक बैठक की इस पूरे मजदूर किसान नीति समूह की, और भी नए लोग थे, और देश के तमाम शहरों से और जिलों से आए थे लोग, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोगों ने फिर लोक विद्या नाम दिया कि हमको लोक विद्या आंदोलन, मतलब इस नाम से काम शुरू करना चाहिए, जो जिसकी बड़ी पहचान है, मुख्य पहचान ये है रही कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो यूनिवर्सिटी में नहीं गए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े समाज हैं इस देश में, और उनके पास ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान के भंडार को हम लोग लोक विद्या कहें, और इस लोक विद्या के बल पर समाज में परिवर्तन के रास्ते खोजे, उसकी एक राजनीति को आकार देने में हम लोगों को लगना चाहिए। तो ये वहाँ तक पहुँचने की यात्रा रही हम लोग। जो आपका काम रहा लोगों के बीच, मुझे याद है कि इट स्टार्टेड विद ग्रासरूट क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, बट देन उसके बाद बहुत अलग अलग आयाम आपने एक्सप्लोर किए हैं लोक विद्या के, क्या कहें, उसके कैटेगरी में। तो इस सब से आप दोनों की जो हमारे समाज की अभी की आधुनिक समाज की जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जो ढांचागत हिंसा है, उसकी आपकी क्या समझ बनी है? बिकॉज हम पहले अगर जो ढांचागत हिंसा है उसका वर्णन कर लें, तो फिर हमें उसके काउंटर की खोज की भी ज्यादा समझ बनेगी, आसान है। तो थोड़ा ये बताइए, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग देन ऑफ द, आई मीन इन द लोक विद्या फ्रेम, हाउ डज स्ट्रक्चरल वायलेंस लुक टुडे? लोक विद्या दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमें मिला है, वो है कि संगठित, जो संत परंपरा का एक बुनियादी ये है कि संगठन में पाखंड है, कोई भी इसको संगठित करने की जो प्रक्रिया है वो संगठित जब हो जाता है तो उसमें पाखंड आता है, मतलब एक ढांचा बन जाता है, जैसे चाहे वो धर्म में हो चाहे वो ज्ञान में हो,
अर्थ में, तो उसका एक व्यवस्थित अगर ढांचा, जितना व्यवस्थित ढांचा बनाएंगे उतना ही वो समाज योगी बनता जाएगा। ये संत परंपरा का एक प्रमुख बिंदु है और जिसको कई लोगों ने विचारकों में रखा है। लोक विद्या इससे काफी नजदीक, मतलब इससे प्रेरणा लेता है कि संगठन हमेशा ही हिंसा के द्वारा अपनी बात को मनवाता, मतलब बल किसी तरह का, लोक विरोधी होना मतलब कई तरह का के इसमें है। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का संघ? हाँ बिल्कुल, संगठित होना वो ये धर्म है या ये आइडियोलॉजी है या ये, इस पर मोटे तौर पर अभी न जाए, पर बहुत ज्यादा संगठन, एक हद से ज्यादा संगठन होना ये लोक विरोध, समाज विरोधी का ही। और वो फिर समाज विरोधी है तो उसमें तरह तरह के हिंसा के प्रकार आ जाते हैं, जैसे वो नीतिगत भी हिंसा होती जिसको कहते हैं, आप कह रहे हैं वैसे, जैसे ऐसी नीतियां या ऐसे रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं जो समाज विरोधी है, वो एक तरह की हिंसा करते हैं। अब हिंसा केवल मार के ही होती है ऐसा तो है नहीं, कई ढंग से जैसे स्त्रियों के ऊपर होती है या अन्य समाजों पर होती है, लेकिन राष्ट्र सत्ता की जो कल्पना है उसके तहत जिस व्यवस्थित ढंग से हिंसा हो रही है वो सबसे अधिक है। और ये हिंसा आदिवासी समाजों पर हो रही है, ये कारीगर समाजों पर हो रही है, किसान समाज पर हो रही है, महिलाओं के महिला समाज पर हो रही है, और ये जितने भी छोटे छोटे पूंजी से काम करते हैं, छोटे दुकानदार है, पटरी ठेले पर बेच रहे हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, बाजार में जो खड़े हैं, इन सब के खिलाफ हिंसा। इस हिंसा के कुछ जैसे आयाम बताइए। ये हिंसा किस तरह से होती है कि धीरे धीरे आपका अस्तित्व ही खत्म करती है, जैसे ठेली पटरी वालों को शहर में नहीं रहने, नए ढंग का बनाएंगे। अब ये तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों से पूछे तो कहेंगे अच्छा ही तो है, पर ये एक तरह की हिंसा है, ये नहीं दिख रहा, क्योंकि आप व्यवस्थित ढंग से उनके परिवारों को, उनके समाजों को आपके इसमें से हटा रहे हैं। मनुष्य को ही नहीं हटा रहे, उसके ज्ञान को भी मिटा रहे हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरी संस्कृति में इस विद्या का, उसको ही आप हटा रहे, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। इसी तरह से आदिवासियों का मुद्दा, इसी तरह से किसान आंदोलन यही कह रहा है जो अभी हाल ही में हुआ अलग, तो ये एक बहुत व्यवस्थित ढंग की हिंसा है और इसका जवाब ढूंढना है। हमें लगता है कि हमारी संत परंपरा में इसका जवाब है और गांधी जी ने इसी प्रेरणा के चलते स्वराज की जो समकालीन कल्पना करके सामने लाई है उसको आज की परिस्थिति में हमको मतलब सोचना होगा कि उसके बुनियाद में क्या होगा। मतलब कोई रेडीमेड आंसर नहीं है पर हम रास्ते खोज सकते हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं, ये निश्चित है और ये समाज कह रहा है। जी जी जी, जल जंगल जमीन का आंदोलन भी यही कह रहा है, किसान आंदोलन भी यही कह रहा है, आदिवासी समाज तो कई सदियों से यही कह रहा है कि हमें अपना ये करने दो। तो ये जो चीजें हैं ये शायद हमको एक नई दुनिया बनाने का आधार दे रही है। तो सुनील जी, ये जो स्वराज की बात अभी चित्रा जी ने कही और सरल उसको संत परंपरा से जोड़ा, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए ये अहिंसा के संदर्भ में। देखिए स्वराज, अनफॉर्चुनेट ये है कि स्वराज की बात को केवल गांधी से जोड़ के देखा जाता है, इससे बहुत समस्या पैदा हो रही है एक्चुअल इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड एक्शन। स्वराज तो इस धरती का विचार है, अहिंसा का अर्थशास्त्र की भाषा और हिंदू अर्थशास्त्र की भाषा एक ही है। हमको लगता है ये जो शासन वाले हैं इनको अगर उसको हिंदू अर्थशास्त्र कहेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे कि नालायकों वाली बात ना करो, जो नाम देना है दो, वो हिंदू बिंदू कुछ नहीं है उसमें। गांधी के दृष्टि से वो
किस तरह का अर्थशास्त्र होना चाहिए, जिसको उन्होंने अहिंसा के अर्थशास्त्र, एक स्वराज की कल्पना है, आर्थिक एस्पेक्ट है उसका, आर्थिक पक्ष है उसका, लेकिन उसकी भाषा अगर आप हिंदू के नाम पे कहना चाहते हैं तो उसकी तो वही भाषा है जो हिंदुओं की भाषा है, गांधी की वही भाषा थी, लेकिन वो हिंदुत्व की भाषा नहीं है, वो हिंदुओं की भाषा है, जितना फर्क कर ले, फर्क ही फर्क है। स्वराज तो ये इस परंपरा का शब्द है, हिंदुत्व वाले तो बड़े नाराज रहेंगे स्वराज के लिए, और रामराज लाए हैं, रामराज का इस्तेमाल पॉलिटिकली कहीं नहीं हुआ है बड़े लंबे समय में, कभी शायद तुलसीदास ने अपने उसमें रामराज का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज स्वराज का इस्तेमाल तो इवन शिवाजी के समय हुआ है, संभाजी के समय हुआ है। अब ये जो हम तो डिटेल ज्यादा नहीं, मतलब हम उसको वाउच नहीं कर सकते कि हुआ ही था, लेकिन जो पॉपुलर नैरेटिव्स हैं उसमें तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम स्वराज स्थापित कर रहे हैं, वो जिस भी अर्थ पे कह रहे हैं, वो अर्थ समझने की जरूरत है। जब वो औरंगजेब से लड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई तो स्वराज की लड़ाई है, उसके पहले भी रहा होगा, इन्होंने अमरपुरी की बात की है कबीर ने, और रैदास ने बेगमपुरा की बात की है, और आपके दक्षिण के जो लिंगायत गुरु, क्या नाम उनका, बासवन्ना ने कल्याणपुरी की बात की है। यहाँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो हम लोग के साथ चलता है, हम लोगों ने उसमें रखा है कुछ नए लड़कों के साथ में कि आप कम से कम इतना तो स्टडी कीजिए कि स्वराज की कल्पनाओं में, और ये लोग जो कह रहे हैं अपने अपने अमरपुरी या बेगमपुरा के नाम से, उसमें क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आपको दिखते हैं। आइडिया के लेवल पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के स्तर पे तो जरा सोचने की कोशिश कीजिए, संतवाणी उसमें से निकलेगी, संतवाणी को लिटरली उसको वैसा का वैसा बोलने से तो बात बनती नहीं है, उन्होंने एक बड़ा विचार दिया कि समाज कैसा होना चाहिए हमारे लिए। नेशनल मूवमेंट ने कहा स्वराज के बारे, अच्छा गांधी का इस हद तक नहीं है कि मोतीलाल नेहरू और इन्होंने चित्तरंजन दास ने जब पार्टी बनाई है 22 या 24 कब की बात है, जब इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे कांग्रेस ने कहा तो उन्होंने पार्टी बना के, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम स्वराज पार्टी दिया हुआ है, ये तो बड़ा नाम है। हम पढ़े लिखे लोगों ने जब स्वराज शब्द पे ज्यादा बात करने की कोशिश की, ये अन्ना करप्शन मूवमेंट के बाद से है, लड़कों ने टोपी लगा ली स्वराज लिखा हुआ, एक्चुअली स्वराज बहस में उसी से आया है, उसके पहले तो गांधीवादी लोग ग्राम स्वराज वगैरह की बात कर रहे, कोई सुनून नहीं रहा है, रियल स्थिति यही है। उनके पास भी कहने के लिए कि गांधी जी ने क्या कहा था इसके अलावा कुछ रहा नहीं, अन्ना ने स्वराज की टोपी लगवा दी, अन्ना खुद गांधीयन हो या ना हो अलग सवाल है, लेकिन जब इन लड़कों ने स्वराज पे एक लाइन ना पढ़ी हो कहीं जिन्होंने टोपी लगा ली, लेकिन ये सब बैकग्राउंड में है, लड़के स्वराज की टोपी लगा के जंतर मंतर पे घूम रहे हैं, नतीजा ये निकला कि स्वराज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया। वो लड़के खुद ही ना समझते हो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने का क्या मतलब है, या समझते हो, हमको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, कई लड़के समझते होंगे कि इसको लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, और हो सकता है वो इसमें भी क्लैरिटी कुछ रखते हो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अलावा हम कुछ बात कर रहे हैं जो अपने अपनी धरती की बात है, ये समझते होंगे, हमें लगता है कई लड़के ये समझते होंगे। तो ये स्वराज की बात है, स्वराज की बात तो इस धरती की बात है, इस स्वराज का क्या मतलब 21वीं सदी में लगता है, और इसको हम एक स्टेप आगे जाना चाहेंगे कि ये जो शिफ्ट है, कल जो आपसे बात से बात हो रही थी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स वाली, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ने ऑर्गेनाइजेशन का एक नया कंसेप्ट, पहले से होगा, पॉपुलर कर दिया है, और वो इतना पावर के साथ आया है कि जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव एक्सरसाइज है पॉपर में है या पहले के साइंस में है या जो है, उसकी हिम्मत नहीं है कि इसको इसके सामने आप फ्रंट खड़ा होकर कहे कि क्या बात करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, साइंस की वो हैसियत नहीं है। इसी स्पेस में तो लोक विद्या अपनी बात कहने के लिए आगे आया है। ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, जो सॉफ्टवेयर, ये जो लैंग्वेज एंड से जो पैराडाइम आया,
थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग का सॉफ्टवेयर, ये लैंग्वेज एंड से आया है, ये नेचर के अंडरस्टैंडिंग से नहीं आया। साइंस एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये नेचुरल साइंस के नाम से था, ये लैंग्वेज एंड से आया है, लैंग्वेज के ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। हाँ, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का कंसेप्ट पहले थोड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बाद में ही सारे स्टडीज है और बहुत सी बातें उसमें हैं, उसमें हम ना जाए, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है एक थॉट सोचने के तरीके का ट्रांजिशन है। जैसे ये मार्केट में ट्रांजिशन हो गया, ये मैकेनिकल इंजीनियर की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज्यादा पैसे कमाने लग गया। अभी हमारे समय के मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द लास्ट टू डाई, लेकिन हमने कहा यार तुम्हारे तो सब स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के फिनिशिंग स्कूल में चले गए और जाके सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहे हैं। कह रहे हाँ वो सब हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज लास्ट टू डाई, अब कोई बहस नहीं रह गई, दीज पीपल हैव टेकन ओवर। फर्क ये है कि जो सॉफ्टवेयर के एंगल से बात आती है वो एक किस्म का लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, उसका जो पैराडाइम है अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का, जिस किस्म की ऑन्टोलॉजीज को वीव करता है, पुराना साइंस नहीं करता, उससे ही अलग है। एज ए रिजल्ट देर इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इन द पैराडाइम, एट द पैराडाइम लेवल एंड ऑल्सो इन द मार्केट। ओके, लड़के फिजिक्स की जगह कॉमर्स पढ़ने जाने लग गए। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, नाउ कनेक्टेड बैक टू लोक विद्या। हाँ, तो कनेक्शन ये है कि जब आप स्वराज की बात करेंगे, जिसका ज्ञान आधार लोक विद्या में है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रकार है उसको हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स की जो बातें चल रही हैं उससे थोड़ा सीखें। और लैंग्वेज में देखिए एक बात है, सारा का सारा जो एजुकेशन है वो इसमें से लैंग्वेज के पैराडाइम को बाहर कर दिया गया है, ये साइंस और मैथमेटिक्स के अराउंड वोवन है। ओके, एंटायर एजुकेशन। अब ये आप बाद में कह सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट्स को सर्व करता है वगैरह, ये उसका नतीजा है, लेकिन उसके अंदर जाके अगर देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यूज कौन सी हैं, तो वो साइंस और मैथमेटिक्स की जो वैल्यूज हैं पिछले 300 साल की, उन वैल्यूज के अराउंड एजुकेशन को भी, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, ये सब इस साइंस और मैथमेटिक्स के अराउंड ये होता है, घूमता रहता है। हाँ, उसके पैराडाइम के अराउंड ये बदल गया, ये जो लैंग्वेज का पैराडाइम अलग है। आप बात करेंगे संस्कृत वालों से तो वो जब 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी की बात, दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो हमारे ट्रेडिशन में आर्यभट्ट की बात करना चाहेंगे, वराहमिहिर की बात करना चाहेंगे, विमान शास्त्र की बात करना चाहेंगे, दूसरे कौन मिलेंगे जो लिंग्विस्टिक्स की बात करना चाहेंगे, जो नवीन न्याय की बात करना चाहेंगे, जो ग्रामर की बात करना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ बनारस के हैं तो किशन मिश्र की बात करना चाहेंगे या अभिनव गुप्त की बात करना चाहेंगे। तो ये दो, इसमें से वेस्टर्न प्रभाव में साइंस और मैथमेटिक्स वाले के अराउंड में सारा एजुकेशनल कंस्ट्रक्ट नया वाला हो गया, वो वेस्टर्न हो या ना, वो साइंस और जो मॉडर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स है उसके अराउंड हो गया। अब जो आया है अभी, जो कंप्यूटर के मार्फत जो नई चीज आई है, और वो आने में बहुत दिक्कत है, आ नहीं पा रही, क्योंकि उसको रोकने वाले महारथी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको वो आता नहीं। आईआईटीज के जो ट्रेनी निकल रहे हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनी निकलते हैं उनकी एबिलिटीज के सामने, जहां तक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के काम कंसर्न है, ये दोबारा पढ़ते हैं, इनका हाई एप्टीट्यूड है, ये इम्तहान देना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, दे कम फ्रॉम हाई एप्टीट्यूड स्ट्रेटम, तो ये पिकअप कर लेते हैं। लेकिन दे हैव टू गिव दैट एक्स्ट्रा वन ईयर टू इट। मैकेनिकल इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तब्दील होने में वो एक्स्ट्रा एक साल देना पड़ता है, और ये सीरियस एक साल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 5 साल 5.1 जैसे पढ़ाई की थी, कुछ इंटरनलाइज तो किया नहीं था, तो बहुत कुछ अनलर्न नहीं करना पड़ता है और नई चीज सीख जाते हैं हम। जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि नाउ देयर इज अ स्पेस इन द अंडर रियलम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिलोसफी, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, फॉर अ शिफ्ट फ्रॉम साइंस एंड मैथमेटिक्स पैराडाइम, मैथमेटिक्स मत रखिए, साइंस पैराडाइम,
टू ए लैंग्वेज पैराडाइम. ओके, बट व्हाट आर द इंप्लीकेशंस फॉर लोक विद्या? लोक विद्या के इंप्लीकेशन, जैसे ही ये शिफ्ट होगा, जितना शिफ्ट होगा उतना लोक विद्या का एज नॉलेज रिकॉग्निशन बढ़ता चला जाएगा, जायज हो जाएगा, रिलेजिटिमाइजेशन हो जाएगा. ओके, बट वंस मोर आई आस्क के एक बिल्कुल संक्षिप्त में डेफिनेशन बताइए, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट दो यू हैव एक्सप्लेन्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, आई हैव वंडर दैट सम ऑफ आवर व्यूअर्स मे स्टिल बी वंडरिंग वेदर इट इज ओनली पीपल्स नॉलेज इन सम एब्स्ट्रैक्ट सेंस. तो लोक विद्या की अगर मैं आपसे मतलब एक या दो सेंटेंस की डेफिनेशन मांगू तो वो क्या है? लोक स्थित जो है, विच इज ग्राउंडेड इन समाज, नॉलेज इन सोसाइटी. पीपल्स नॉलेज इज एन इनकरेक्ट ट्रांसलेशन. नॉलेज इन सोसाइटी, राइट, दिस इज अ बेटर ट्रांसलेशन. राइट, नाउ दो अर्थ है अभी इसके, सुनिए. हाँ, सॉरी, लोक विद्या के, एक तो लोक की विद्या यानी पीपल्स नॉलेज के अर्थ में. okay. लोक शब्द को पिछले कुछ समय से, हमको लगता है 100 साल से या और कम से 60-70 साल से, लोक को पीपल या जनता के रूप में लोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है. ये इसका मौलिक इस्तेमाल तो है, मौलिक इस्तेमाल तो लोक का तीन लोकों वाला जो है. हाँ, वही मैंने सोचा. हाँ, तो ये नहीं लोक, हाँ, 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 ऐसा है. हाँ, लोक यानी दुनिया. हाँ, इस अर्थ. हाँ, तो भूलोक यानी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, लोक यानी दुनिया. दुनिया का ज्ञान है, दुनिया का यानी जो दुनिया में रिसाइड करता है. हाँ, इस अर्थ में दुनिया का. बट नाउ अब काफी देर से लोक शब्द को पीपल से एसोसिएट किया हो गया है. हाँ, सो नॉलेज इन सोसाइटी, ओके, इज देयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बिटवीन एलीट एंड ग्रास रूट्स? हाँ, देयर इज, इन द सेंस देयर इज. इसमें एक्सपर्ट्स हैं लोक विद्या में भी, तमाम. इस जैसे अगरिया का काम था, हाई एक्सपर्टीज का काम था. देयर आर एक्सपर्ट्स, अगरिया मतलब वो लोहा गलाने वाले जिनको लेके हम आए थे, या द ट्राइबल कम्युनिटी दैट स्मेल्ट आयरन. हाई एक्सपर्टीज का काम है. एक्सपर्टीज तो बहुत है इसमें, तरह तरह की. इवन टॉय बनाने में बड़ी हाई एक्सपर्टीज की जरूरत है, तमाम कामों में हाई. लेकिन नो, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ये एक्सपर्टीज वाला ऑर्डिनरी लाइफ के से अलग कोई स्पेशल लाइफ का क्लेम नहीं करता है. जो यूनिवर्सिटी ब्रेड करता है, और केवल अपने यहां नहीं करता है, वो अमेरिका में भी करता है, वो यूरोप में भी करता है. यूनिवर्सिटी का पीएचडी करके आया हुआ यूरोप में हो या अमेरिका में हो, वो बाकी लोगों को बेवकूफ वहां भी समझता है और यहां भी समझता है. ये कोई हमारे यहाँ ये बाहर की नॉलेज है इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है. और आपका जो अनुभव है, ये जो आपने अगरिया कम्युनिटी का जिक्र किया, उनमें ये नहीं होता. उनमें नहीं होता है, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. उनमें आना, जितना ज्यादा मार्केट से रिलेट होते जाएंगे, उतना ही ये हायरार्काइजेशन आता जाएगा. इट क्रिएट, इट ओपन्स अ चैनल. जितना समाज, आपका समाज जितना मॉडर्न मार्केट से कनेक्टेड होगा, चाहे सर्वाइवल के लिए ही क्यों, लेकिन वो एक वापस वहां से आइडियाज वापस आने का भी एक रास्ता बनाएगा. यू कैन स्टॉप. तो ये जो अब आपको उम्मीद का एक दौर दिख रहा है, इसमें बिल्कुल अपनी कल्पना को, तो मतलब ऐसे नॉट वाइल्ड कल्पना, बट आपकी जो विजन है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की, उसका थोड़ा वर्णन कीजिए कि अगर लोक विद्या को अपना सही स्पेस और टाइम में जगह मिले, तो हाउ विल दैट हेल्प अस टू हैव एटलीस्ट ए लेस वायलेंट सिस्टम? बताते हैं. Let's not start from a theoretical point. हम शुरू करते हैं जो हम बहस कर रहे हैं आज दोपहर की जो मीटिंग है उससे रिलेटेड है. आप ये 5-6 मूवमेंट ये पीछे लिखे हुए हैं. ये 5-6 मूवमेंट ले लीजिए, किसान आंदोलन, ये जलवायु या एनवायरमेंट जो भी नाम दीजिए, एनवायरमेंट इज बेटर, जलवायु वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट दूसरा, तीसरा जल जंगल जमीन, चौथा कौन कौन सा लिखा हुआ है हमको जरा आज कर, स्वराज,
हाँ स्वराज वाले हैं या लोक विद्या आंदोलन वाले हैं और सामाजिक न्याय वाले हैं। सामाजिक न्याय नैरो दिखता है हाँ हाँ, बट लेकिन उसमें बड़ा प्रॉमिस है, वो फिलहाल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो नैरो हो गया है, वो खुल जाए तो आप समाज में आप इन छह मूवमेंट में मूल बात क्या कही जा रही है इस पे जाएं, तो आपको छह बिंदु मिलेंगे जो किसी नए समाज की कुर के रिकंस्ट्रक्शन का मॉडल तैयार करने के पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर मिलेंगे, नॉट ब्लूप्रिंट, वो तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, सही बात है, उसके पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर मिलेंगे, इन सब में आप ले लेंगे। जैसे लोक विद्या मूवमेंट लोक विद्या की बात कर रहा है, नॉलेज रेल में इसके रिकग्निशन, और कह रहा है कि सबके पास है। सामाजिक न्याय वाला सोशल हायरार्की नहीं होनी चाहिए इसकी बात कर रहा है, वो अपने काम कर रहा है लेकिन उसका मूल बिंदु है कि सोशल हायरार्की के खिलाफ है वो। जल जंगल जमीन, वो कह रहा है जल जंगल और जमीन का कंट्रोल उनके पास होना चाहिए जिनके पास वो है, फिजिकली जिनके पास है उनका कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए यानी उनके पास उसका गवर्नेंस का मॉडल है। वो कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को थोड़ा बुलाने वाले हैं कि इस जल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, दे ऑलरेडी नो दैट। तो वो जल जंगल जमीन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन इनमें, इनफैक्ट इनमें से इसी में से लोक विद्या का विचार निकला है। किसान आंदोलन में हम लोग पूरा समय दिए हुए थे जो 80s का है उसमें, और अभी भी दोबारा भी, लेकिन अब सब लोग बूढ़े हो गए हैं, ट्रैवल कम करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन किसान आंदोलन में एक कंसेप्ट है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, अराजनीतिकता। वो सब अपने को अराजनीतिक कहते हैं, विच इज नॉट एंटी पोलिटिकल, विच इज नॉट एंटी पोलिटिकल एंड विच इज नॉट ए पोलिटिकल, हाँ वो अंग्रेजी में ए पोलिटिकल जो वो नहीं है, दे आर नॉन पोलिटिकल। कुछ हद तक विनोबा जैसी नॉन पोलिटिकल बात करना चाहते हैं, कुछ हद तक वैसा है, देर इज ए सिमिलैरिटी। ये क्या है, लोग इसको नॉन पार्टी के रूप में इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन दैट इज बिकॉज कि वो बड़ा आसान है। आप अगर उस पर गंभीरता से नजर डालें कि नॉन पॉलिटिकल का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जिसको इस पूरी सदी ने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कहा है उसके बल पे रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना है। फिर किसके बल पे होना है, अगर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आगे का रास्ता नहीं बताएगा तो किसके बल पे होना है, उस समाज की कॉन्शियसनेस के बल पे होना है जो पॉलिटिकल नहीं है, मतलब पावर से रिलेटेड नहीं है। नहीं, पावर से रिलेटेड है बिकॉज यू कैन, पावर इज यूबिक्विटस, हाँ सब जगह है, तो उस अर्थ में तो रिलेटेड है, विक्टिम है, रिलेटेड है उस अर्थ में। पॉलिटिकल शब्द, पॉलिटिकल सोसाइटी, ये अब कब कितना पुराना शब्द है ये तो मैं नहीं जान सकता, कुछ पहले से है, लेकिन ये जो यूरोप में बुर्जुआ सोसाइटी का निर्माण है उसको ही पॉलिटिकल सोसाइटी के निर्माण के रूप में देखा गया है, और बाद में वर्किंग क्लासेस का, क्लास को प्राइमरी कैटेगरी के रूप में रखना, और क्लास सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी ये दोनों जो यूरोप में बुर्जुआ मूवमेंट फर्स्ट एंड देन वर्कर्स मूवमेंट, इससे आकार लिए हुए शब्द हैं, दे डोंट अप्लाई टू आवर सोसाइटी एट ऑल, दे गो स्क्यू, इससे टकराते ही नहीं है कहीं। नतीजा क्या निकल गया, नतीजा ये निकल गया आपने यहाँ कि जो वोट देता है उसको आपने कहीं तो भी पॉलिटिकल इससे कनेक्ट मान लिया, विच इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, ऑल ऑफ अस नो। अभी एक नया सिविल सोसाइटी शब्द आया है, उसका अभी आप उसमें ना जाए, लेकिन जब हम कहेंगे, यानी हम उन समाजों की बात कर रहे हैं जिसको खुले हम हमारे लेफ्ट फ्रेंड्स कम्युनिस्ट दोस्त कहेंगे कि ये तो अभी क्लासेस के रूप में इमर्ज नहीं किए हैं, आदिवासियों के लिए कहेंगे, किसानों के लिए कहेंगे, पटरी के दुकानदारों के लिए कहेंगे, महिलाओं के लिए, ये कोई क्लासेस नहीं है, और इसलिए जो क्लासेस नहीं है उनके पास में चेंज की एजेंसी नहीं है,
उनके पास इन मतलब अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी नो हाँ अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी दे कैन नॉट बी द एजेंसी ऑफ चेंज बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मड इनटू ए क्लास और ये मार्च में मिल जाएगा कि पीपल राइज एज अ क्लास व्हेन दे रिकॉग्नाइज द कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट ये वो करके मार्क्स में क्लास का कंसेप्ट एक लेवल पे पॉलिटिकल क्लास के रूप में मिले अब यहाँ पर आई थिंक आप वो थोड़ा एक्सप्लेन बट आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पॉइंट पे ठीक इसमें सो नाउ अगर यहाँ पे आपको जाति और समाज वाला जो पॉइंट आप अर्लियर कह रहे थे दैट इज वेरी क्रूशियल वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि जब आम आदमी बात करता है तो वो अपनी ये मेरी कुम्हार जाति है ये नहीं कहता हम कुम्हार समाज से हाँ उसको एक्सप्लेन करिए कि ये दो बातों वो में क्या अपने को एक समाज के रूप में समझता है यहीं से अगर आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें तो ना वो जाति है एज डिस्क्राइब बाई वो मरलो कौन था या डू मोन्ट कौन है वो होमो हायरार्किकस या किसी और का हो ये बहुत प्रचलित रहा है इस तरह का इंटरप्रिटेशन दुर्वे का हो किसी का हो तो वो अपने को एक जाति के रूप में नहीं देख जाति शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता इनफैक्ट जाति शब्द का तो दूसरा अर्थ है जाति को तो जैसे बांग्लादेश वाले करते हैं बंगाल वाले करते हैं जाति पार्टी मतलब नेशनल पार्टी जाति का शब्द वो बंगाली में वो अलग अर्थ में आया है मेरे ख्याल से हम बंगाली जानते नहीं हैं इसलिए हम उसमें नहीं बोलेंगे लेकिन वो अपने को एक समाज के रूप में देखता है क्या मतलब निकला मतलब ये निकला कि उसके पास समाज का एक कंसेप्ट है जिस अर्थ में वो अपने को एक समाज के रूप में देखता है ये समाज इसेंशियली नॉन वायलेंट है हम ये कहना चाहते हैं अहिंसा इस समाज की एक वैल्यू है और ये समाज आपसी रिश्ते पे हायरार्की नहीं देखते हैं हायरार्की है मॉडर्न सोसाइटी में वो हायरार्की रीइंफोर्स हो गई है बड़े पैमाने पे जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हैं वो कितना हायरार्कीकल था आप अगर पीछे का देखेंगे मुगलों के पहले का इन लोग का कबीर देखेंगे या पुराने तक चले जाएं ब्राह्मण की बात तो कर रहे हैं लेकिन और किसी की बात नहीं कर रहे ब्राह्मण की बात कर रहे हैं हमें जाति तोड़ना है यानी ब्राह्मण के दबाव से मुक्त होना है ये तो अर्थ है और कोई है ही नहीं ब्राह्मण के अलावा अपर कास्ट ब्राह्मण ही है हमको तो यही समझ में आया है बुद्धा के सारे डिस्कोर्स के वो जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला के कोई और तो मिलता नहीं ही इज नॉट डिस्कोर्सिंग विद श्रेष्ठी श्रेष्ठियों से बात नहीं कर रहे हैं आज का जो ये ख्याल है ये महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है भटजी क्या कहते हैं वो भटजी और शेठ जी भटजी व्यापारी और ब्राह्मण एक लेवल पे रखा हुआ है कि दोनों मिलकर ऑपरेस करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बुद्ध में तो शेठ जी की बात नहीं है केवल उस रिचुअल परफॉर्मर की बात है जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं ब्राह्मण के खिलाफ है या जो नैरेटिव्स हम लोग तक आए हैं देखिए अनलेस यू नो पाली एंड रीड दैट इन डिटेल किसी चीज को बहुत ये आप दबा के नहीं कह सकते कि यही बात है तो ये नहीं लेकिन ये जो समाज का कंसेप्ट है ये इट अबहोर्स वायलेंस इसकी वैल्यू जो है ये अबहोर्स वायलेंस एक माफिया आपको नहीं मिलेगा जो अपनी समाज की ताकत पे है बिना पॉलिटिकल अंडरराइटिंग के समाज के नेता समाज में ऐसा आता है बहुत कि ये जो माफिया टाइप हैं वो अपने समाज में जाकर के अपने जाति के लोगों के बीच में जाके छिप जाते हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं वगैरह ये सब सही है लेकिन किसी समाज में इतनी ताकत नहीं है कि एक माफिया अपना खड़ा करे माफिया मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल गवर्नमेंट नेशन स्टेट कैनॉट टॉलरेट इवन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पैरेलल गवर्नेंस ये नेशन स्टेट सबसे ज्यादा जेपी का आइडिया जिसको क्रिटिकली व्यू किया गया वो था जब उन्होंने कहा समानांतर सरकार की बात की ये मूवमेंट के समय मूवमेंट के एंड डेज में समानांतर सरकार
ये इंटॉलरेंट इंपीरियलिज्म फ्रॉम डे वन द मॉडर्न स्टेट इज द ओनली अथॉरिटी एंड ओनली एंड अल्टीमेट अथॉरिटी इन एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसी भी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो ये मुगलों समय केस नहीं है ये तमाम समाज इनके अंदर जो क्राइम हो जो शादी के सवाल है फलाना ये अपना हल कर रहे हैं कोई कोर्ट थोड़ी हल कर रहा है राइट पर इसमें आई वांट टू मेक अ चैलेंजिंग नोट चित्रा जी आप इस पे बताइए कि हमारा जो हमें जो मॉडर्न एजुकेशन मिली है उसमें हमें ये जो भी पुराने समाज थे उनकी इंटरनल वायलेंस के ही बारे में हम जानते हैं लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया विधवाओं को ऐसे ट्रीट किया कईयों अछूत को कैसे पहले तो अछूतपन को बनाया फिर उसको कैसे ट्रीट किया और अलग अलग दर्जों पे हायरार्की में जो है अलग अलग किस्म के वो भेद और कौन भ्रष्ट है कौन स्वच्छ है ये सब रहा तो ये जो हमारा इम्प्रेशन है इसको आप कैसे देखती हैं मतलब क्योंकि आई नो कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि भविष्य सॉरी के वर्तमान में कुछ वो परफेक्ट था दैट इज नॉट योर क्लेम आई नो दैट तो इसमें जब आप दोनों ये कह रहे हैं कि ये जो समाज था इट अबोर्ड वायलेंस वो थोड़ा और बारीकी से समझा जहां तक हमने अपनी लोक विद्या के मार्फत समझ बनाई है समाज की उसमें जब हम किसी जाति को समाज कहते हैं तो उसका अर्थ कोई ये नहीं है क्या जिसको कहते हैं एक समूह है ऐसा नहीं है उसका उसकी एक विश्व दृष्टि है इससे फर्क पड़ता है जाति कहने से उसकी विश्व दृष्टि नहीं आती है बात उसके ज्ञान के उसका आपस में कैसा संबंध होगा दूसरे समूह के साथ क्या संबंध होना चाहिए प्रकृति से क्या संबंध होना चाहिए ब्रह्मांड से क्या संबंध ये पूरा उसके समाज में सब समाजों की अपनी कहानियाँ कौन से भगवान थे कहाँ से हम आए क्यों आए क्या करना चाहिए अच्छा बुरा क्या है ये सब उनकी अपनी है तो ये समाज मतलब अपनी अपनी ताकत पर है स्वायत्त है वो अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास करते हैं अपनी जीविका उसके बल पर चलाते हैं और इसका अन्य समुदायों के साथ एक परस्पर संबंध देख पाते हैं हाँ उस परस्पर संबंध में हिंसा न हो तो ही वो संबंध बना रहेगा इसकी उनको उनके ज्ञान में वो समझ निहित है उदाहरण के लिए वो अपना जैसे आपने नाम लिया अभी प्रोफेसर से छात्री का है ना उन्होंने जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए नहीं की क्या तकनीक है हमारे कारीगर समाजों की या किसान समाज वो क्यों ऐसे इस्तेमाल करते हैं क्यों नहीं हाई इफिशेंसी के मशीनों के इस्तेमाल करते रहे तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि वो जानते हैं कि प्रकृति के साथ जो ताना बाना है उनका जो संबंध है वो इससे टूटेगा और केवल प्रकृति के साथ हाँ और वो हिंसा है वो संबंध टूटेगा या कमजोर होगा तो वो हिंसा ही है और केवल प्रकृति के साथ ही नहीं वो मनुष्य मनुष्य के या अपने समाज से खास दूसरे समाज के साथ जो संबंध है वो भी टूटेगा वो बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी तो ये जो समझ है इसको शब्दों में या एक व्यवस्थित क्या कहेंगे उसको सिद्धांत के रूप में अपनाना है तो स्वराज से एक रिश्ता बनता है कि स्वराज वो व्यवस्था होगी जिसमें समाज की ये समझ होगी कि हमको साथ रहने के ज्ञान का विकास करना है क्या बात तो साथ साथ सहजीवन की फिर से कहिए साथ रहने का ज्ञान विकसित करना है बाकी अज्ञान है तो जैसे विद्या और अविद्या में आप ये करते हैं ना फर्क तो वही विद्या है जो हमको साथ में रहने के लिए बल देगी या हमारी जीविका ऐसी ही विद्या पर निर्भर करेगी तो ये जो पूरा का पूरा साइंस का दौर है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो भी लूट मची है सारी उसका जवाब मिलता है हमको उसमें
और बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और आज हम अगर कारीगर समाजों का और किसान समाजों का जीवन नजदीक से देखें तो वो जिंदा है, ये दिखाई देता है। वो अव्यवस्थित हो गया है, वो कमजोर हो गया है, ये सब कुछ हो सकता है, मना नहीं है। और वो समय मिलने पर खिल जाएगा जी। समझ हम लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में होनी होगी इस बात की कि वहां जीवन है और जो हम कर रहे हैं वो अविद्या का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो महिलाओं का प्रश्न रहा पहले भी और आज भी, उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक व्यू ये है कि ये पूरी कला में, श्रृंखला में, इतिहास से लेकर अब तक महिलाओं का जो, महिलाओं के प्रति जो व्यवहार रहा वो या तो अन्याय वाला रहा या एक्टिव वायलेंस वाला रहा। तो हाउ डू यू सी दैट? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मतलब इसमें सच्चाई नहीं है ऐसा। जैसे मुझे याद है कि बचपन में जब कहानियां हम अपने नानी दादी से सुनते थे या माँ पिताजी से, तो उन सारे आदर्शों की बात होती थी, किस आदर्श के लिए इस महिला ने ऐसा व्यवहार किया, ये बातें होती थी। यानी कि आप किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उस ओर संगठित करते हुए ले जाते हैं, ये महिलाओं में समझ थी। हाँ, मुझे समझ में, जब मैं बड़ी हुई और महिला आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बात छिड़ी, तब सती सावित्री वगैरह वगैरह का नाम आता था। अब मैंने पढ़ा सती सावित्री, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया कहानियां हैं, सावित्री की कहानी तो बहुत ही बढ़िया है कि वो यम से मोर्चा लेने चली गई और जीत के लौटी, पति को खींच के ले भी आई। तो ऐसी महिलाएं तो नायिकाएं होनी चाहिए हमारी। पर आधुनिक विश्वविद्यालय जितने भी स्त्री विमर्श होते हैं उसमें सीता और सावित्री दोनों को निष्कासित कर दिया है कि ये तो आदर्श तो कोई नहीं सकते हमारे। तो ये थोड़ा सी थोड़ी ये है बातें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं को आदर्श मानिए, हम ये कह रहे हैं केवल कि कहानियों के जो अर्थ लगाने चाहिए वो लगाए उनको, अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में समझा जाए, उनको गलत न पेश किया जाए। और उस समाज से आपको अगर उसकी जानकारी ही नहीं है कि वो समाज कहाँ था, तो आप उनके बारे में न बोले किसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, मौन रह जाए। तो एक तो मुझे ये लगा, और दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतिहास में क्या हुआ है महिलाओं के प्रति 500 साल पहले उसकी बात करें। आज जब मतलब मैं ये पांचों आंदोलन का अगर जिक्र करें तो इसमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की थी। जब भी जहाँ जहाँ गई मैं, विस्थापन के विरोध के आंदोलनों में महिलाएं थी, किसान आंदोलन के इसमें सारी जगह महिलाएं थी, जल जंगल जमीन के इसमें महिलाएं, हम कहाँ मतलब उनकी भागीदारी जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ देख ही नहीं रहे हैं, हम कहीं और ही देख रहे हैं। उस सार्वजनिक स्थानों, उन सार्वजनिक स्थानों पर देख रहे हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग ही केवल आते हैं। तो ये थोड़ी सी ये है, इसमें ये सवाल मैं ठीक से करना होगा शायद कि इसका जवाब हम दे पाए। नो, आई थिंक इट कम्स थ्रू। तो समापन के तौर पर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? आज बहुत सारे नौजवान बेचैन हैं और किसी ना किसी रूप में जाने अनजाने वो कई बार अनअवेयर, खुद अनअवेयर होते हुए भी वो खोज रहे हैं। तो वेरी ब्रीफली व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू सच यंग पीपल इफ एट ऑल? और अपने भीतर, मैं तो एक्चुअली सबसे ये पूछती हूँ कि आप लोग नौजवानों को अपने भीतर क्या स्ट्रेंथ्स बनाने की कुछ टिप्स दे सकते हैं? मैं मुझे क्या लगता है, बोलिए ना, ये है तो बहुत क्या कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट जैसे, उनको एक ही सीख देना चाहिए कि उनके अंदर ऐसी संवेदनाएं पैदा हों कि वो दूसरे के दुख को समझ सके, बस इसके अलावा नहीं। जब वो ये समझना शुरू कर देंगे तो उनको उनके विचार सब उस हिसाब से मिले, वो रास्ता है। गांधी जी का ही है, पीड़ पराई जाने दो। नहीं, वन पॉइंट इस एक मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें,
द सिंपलेस्ट फॉर्मुलेशन, सिंपलेस्ट मत कहिए, एक अलग एंड से फॉर्मुलेशन लोक विद्या का जो है वो ये कहता है कि एवरीबॉडी इज नॉलेजेबल। उसको कुछ थियोरेटिकल लैंग्वेज में जो डिस्कोर्स की लैंग्वेज है फिलोसॉफिकल, नॉलेज इज अ स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ लोग नहीं पसंद करते इस तरह से कहना, तो इफ इट इज अ स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक तब नॉलेज उसकी पहचान है या जो कुछ भी कह लीजिए, एवरीबॉडी इज नॉलेजेबल, ये फॉलो। आप बात करके देखिए, यदि ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, हमने जब जब तर्क दिया कि वो लोग काफी कुछ जानते हैं आदिवासियों के बारे में, जो पढ़ा लेके जो मास्टर प्राइमरी पढ़ाने वाला था, कैसे नौकरी मिली थी उसको भगवान जाने, उसने हमारा ये कह के मजाक उड़ाया, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि वो लोग सब कुछ जानते हैं, कटाक्ष के बगैर वो वापस नहीं आता है, क्योंकि उसकी सोशल पोजीशन पे असर आता है, उसकी सारी पोजीशन जहां वो मास्टर है और रहता है वो ये है कि हम मास्टर हैं, और मास्टर की पोजीशन इसलिए भी है कि उसको तनख्वाह काफी है, वो बात अलग है, लेकिन उसकी हम जानकार हैं। अगर सब लोग जानकार हैं तो हम में खास क्या रह जाएगा। कल हमने जो कहा था कि बौद्धिक सत्याग्रह में शामिल लोग इतनी आसानी से, हमें चाहिए कि यूनिवर्सिटी पढ़े हुए लड़के आए और वो ये कहें कि उनमें खास ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अगर खास जानना चाहते हो तो ये है कि वो दूसरे के अंदर की विद्या को पहचानते हैं, ये खास है। और हम एक फर्दर ऐड करेंगे कि जब तक ये नहीं होगा तब तक डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का जो बात है, दूसरे का सम्मान, which is fundamental to non-violence, ये केवल बातूनी रह जाएगा, दूसरे के नॉलेजेबल होने का आप रिकग्निशन, ये बात अलग ढंग से आती। फिर लोग ये कहेंगे कि आप एक एंड से आ रहे हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए आपको क्या कहना है। अगर हम डिग्निटी ऑफ लेबर को माने तो डिग्निटी ऑफ लेबर प्रॉब्लमेटिक है, डिग्निटी ऑफ लेबर नॉट नेसेसरीली बट मोस्टली is a condescending idea, unfortunately it need not be, I'm not saying that it has to be, but it has become almost that. Dignity of labor asal mein manne wala hota to wo phavda lekar ke kaam kar raha hota, usko aur bhi kaam karta, main ye nahi keh raha hu, lekin jahan problem hai, where the actual hurdle lies is, hum ye mante hi nahi hai ki uske paas gyan hai, हम ये मानते नहीं है कि हमारे हम उसको जीरो मानते हैं, बिल्कुल जीरो मानते हैं, कुछ नहीं समझते उसको, जीरो मानते हैं, and that is a form of violence. बहुत बड़ा इनफैक्ट सारे वायलेंस का ये है, फाउंटेन हेड है, यहां से वो लड़की कहती है अपनी माँ को कि तुम, वो इसलिए भी कहती है कि उसका बाप अपनी माँ उसकी माँ को बुद्धू बुद्धू कहता रहता है, वो सुन के भी वो एनकरेज हो जाती है, ये लोग बोलते रहते हैं अपनी बीवी को बुद्धू है कहते रहते हैं घर में बच्चों के सामने, ये कोई इट्स नॉट अनकॉमन, तो लड़के भी ये हो जाते हैं कहने लगते हैं, लेकिन इसलिए भी कहते हैं, हमें नहीं लगता है कि जो लड़का स्कूल न गया वो इतनी जल्दी अपनी माँ को बुद्धू कहेगा, वो नहीं कहेगा, वो सेंसिटिव होगा अपनी माँ की अंडरस्टैंडिंग के प्रति, क्योंकि वो एक सर्टन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रति सेंसिटिव होगा, इनको समझा दिया गया है कि वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, रोज के व्यवहार में भी देखता है ना वो, उसको पहचानने की क्षमता है। आपको मैं एक चीज और बस पता नहीं कितना समय, इसी ये कहा, इसको प्रैक्टिस भी कहते हैं बहुत बार लोग, ये कम्युनिटी प्रैक्टिस या ऐसा कुछ जिसको आप ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं या नॉलेज कहने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको जल्दी एग्री नहीं करते कि ये नॉलेज, वो एथनिक नॉलेज हो सकता है, प्राइवेट नॉलेज हो सकता है, एम्पिरिकल नॉलेज हो सकता है, ऑल काइंड्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, तो नॉलेज प्रॉपर नहीं, नॉलेज प्रॉपर तो फिर वो कॉलेज में पढ़ा गया है, ही इज नॉलेजेबल, या वहाँ नॉलेज है, वो नॉलेज एक्टिविटी की जगह है, उसकी नॉलेज का वैसा रिकग्निशन है, बाकी तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि इसको ट्रेडिशनल नॉलेज का मास्टर है, ये एथनिक नॉलेज वाला है, ये ऐसा है, ये इंडिजिनस नॉलेज वाला है,
नॉलेज नहीं, इंडिजिनस, ये क्वालिफिकेशन करते हैं। इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि उसको वो बड़े पैमाने पे प्रैक्टिस के रूप में पहचानते हैं और नॉलेज के रूप में नहीं पहचानते। हम एक सवाल पूछते हैं, बहुत लोगों से पूछा है, ये नहीं जवाब है। कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी काम, हमने 5 मिनट के लिए कुछ किया, कुछ 5 मिनट, 1-2 मिनट के लिए कुछ किया, क्या हम उसको दोबारा कर सकते हैं बिना किसी थियरी के इंटरवीन किए हुए इन दो एक्शन पैकेट्स के बीच में? हमने जो प्रैक्टिस है उसको किसी लेवल पर जनरलाइज किए बगैर क्या हम दोबारा उसको कर सकते हैं? दोबारा करने का मतलब है बिना जनरलाइज किए अगर आप दोबारा कर रहे हैं, इसका मतलब सम 1 मिलियन स्टेप्स इन एन ऑर्डर विल हैव टू बी रिपीटेड विच नोबडी कैन डू। कैसे याद रहेगा आपको ये इसके बाद क्या क्या, आप उसको याद तो करते नहीं है। बिटवीन एनी टू एक्शन पैकेजेस बाई एन इंडिविजुअल, वो लोहे का काम कर रहा है, वो कटोरा बनाया, कल को कटोरा बनाएगा, आज जैसा बनाया था वैसा ही बना लेगा, लेकिन आज बनाया और कल बनाया के बीच में एक थियोरेटिकल पैकेज है, उसके पास एक जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग है कि वो कैसे बनाया जाता है, नॉट विदाउट दैट, उसके पास उसकी नॉलेज है, उसके नो प्रैक्टिस इज पॉसिबल विदाउट नॉलेज इन दिस सेंस, इन ए प्राइमरी सेंस। तो आप उसको डिनाई करेंगे अगर, या फिर उस किस्म की नॉलेज को नॉलेज मानने से इनकार करेंगे, तो ये तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट पैटर्न ये करता है। आपने, हम लोगों ने किया था, वी रोट, आई थिंक अमित रोट अ पेपर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन अ सी ऑफ नॉलेज। एक वहाँ था, हमको लगता है ये हिवास वाले या कौन थे डच, उसमें दिल्ली में ये थे ना, नहीं वो कोई और था, किसी और यूनिवर्सिटी में, हाँ कहीं पे था, नहीं एडुफैक्ट्री का नहीं, बेल्जियम में कहीं कोई ये था, उनका कैपिटल है ना, वो क्या नाम है उसका, यूरो कैपिटल, वहाँ पे कोई बड़ा सेमिनार वगैरह था, हम लोग को भी इनविटेशन था, तो अमित हैड गॉन देयर। हम लोग की ये यूनिवर्सिटी के ऊपर बातचीत होनी थी, ये बातचीत बहुत चल रही थी 2008 से 2012 के बीच में, यूरोप में बड़ा चर्निंग हुआ है ऑन द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत हुआ है, हम आपको बहुत रेफरेंस दे सकते हैं, फ्रॉम वियना टू एनीवेयर, सांता क्रूज, ये अमेरिका सांता क्रूज में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, क्यूबेक में, कैनेडा में, हर जगह एक ऑक्यूपाई मूवमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी। ये इनकी पोजीशन ये रही है, ये नॉलेज को एक लिविंग नॉलेज के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये लोक विद्या जैसा ही आइडिया है। दे सेड वी आर टॉट डेड नॉलेज इन द यूनिवर्सिटी, वी वॉन्ट लिविंग नॉलेज। तो ये कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट वगैरह में था, लेकिन हम कोई और बात कह रहे थे। नहीं, तो आइडिया यूनिवर्सिटी का ये, हाँ आइडिया यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का आइडिया अगर आप यूनिवर्सिटी से या आज के शासन से पूछेंगे तो इट इज एन आईलैंड ऑफ नॉलेज एक्टिविटी इन ए सी ऑफ इग्नोरेंस। वो वॉल बनी है जैसी BHU की है, हम लोग ने यहाँ एक ज्ञान पंचायत की थी, इनफैक्ट यू आर सेइंग इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। बिल्कुल, हम कह रहे हैं, हमारा सब एक बड़ा स्लोगन रहा है जब लोक विद्या जन आंदोलन बड़े उस पर चल रहा था, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की दीवारें गिरनी चाहिए। अच्छा, दीवार मतलब क्या? हमने यहाँ एक ज्ञान पंचायत की थी, उसमें बहुत तरह के लोग आए थे, पत्रकार थे, एक्टिविस्ट थे, वकील थे, फलाने ठिकाने, पुराने लोग थे, नए लोग थे, कारीगर थे, किसान यूनियन के थे, सब थे। सवाल ये पूछा गया कि आप इस दीवार को कैसे समझते हैं? किसी ने कहा इकोनॉमिक दीवाल है, किसी ने कहा ईंटे गाड़ी की दीवाल है, BHU जिसने देखा था, किसी ने कहा मेंटल डिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल दूरी है, किसी ने कहा इकोनॉमिक्स की है, सबने अलग अलग, कल्चरल दूरी है, सबने इस दीवाल के अलग अलग अर्थ बताए। यानी अंत में नतीजा ये निकला कि उसके अंदर की दुनिया अलग है और आपकी अलग है,
यूनिवर्सिटी को ये जवाब नहीं देना पड़ता है जब उसके अंदर के नाले उस वॉल के नीचे से बाहर आते हैं, तो यूनिवर्सिटी से म्यूनसिपैलिटी पूछती नहीं है कि ये नाले पानी बाहर कहाँ डाल रहे हो। हिम्मत नहीं है म्यूनसिपैलिटी की कि बीएचयू से पूछ ले ये नाले पानी कहाँ डाल रहे हो, क्योंकि वहां भी जो बैठा है उसका यही ख्याल है कहाँ डालेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपने सिर पर रखेंगे नाले का पानी। लेकिन बाहर लोग रहते हैं, तुम उनके घरों के बगल में ये नाले पानी डाल रहे हो, ये तुमको दिखाई नहीं देता। यू आर अ हाउस ऑफ नॉलेज, तुमको वो दिखाई नहीं दे रहा, या दिखाई दे रहा है तो तुमको वो, आई मीन यू गिव नो इम्पोर्टेंस टू दैट बिकॉज यू गिव नो इम्पोर्टेंस टू दोज पीपल, क्योंकि वो नॉलेजेबल नहीं है। फाइनली इट कम्स एंड रेस्ट्स ऑन दैट फ्रॉम वन एंगल, आई डोंट वॉन्ट टू रिड्यूस इट टू, लेकिन हिंसा का सवाल, यूज ऑफ फोर्स, ये नॉलेज से, द काइंड ऑफ नॉलेज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द पीपल, इससे बहुत गहरा संबंध रखता है। थैंक यू सर, गहरा संबंध रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अरे आप आई यहाँ तक, हमें पटना आ रहे, ये तो आपने अच्छा किया, लंबा अनुभव है। 9 साल से बात हो रही है ना, 3 साल। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, वी आर अनऑर्गेनाइज्ड। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं आपने अच्छा ही किया। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन यू सेड कि ये जूम पे नहीं होगा।